वाह, ये सुपर हीरो गर्ल्स जो हर समय दुनिया को बचाती हैं, कितनी कमाल की हैं। पर अगर उनमें से प्रेग्नेंट होने का सोचे तो क्या होगा? हमारी नई वीडियो में देखें। ये लो, ये रखो। इतना सारा पैसा, मुझे मेरा काम पसंद है। आखिरकार मैं घर पहुंच गई। आखिर लोग हैं कौन? वो ग्रीन क्यों है? तुमने मुझे पहचाना नहीं? दरअसल मैं हल्क गर्ल हूँ। और तुम्हारी मसल्स कहाँ है? ओह, एक प्रेग्नेंट हल्क गर्ल को गुस्सा दिलाने से बुरा और क्या हो सकता है? अब तुम्हें मेरी मसल्स कैसे लगे? चोरो, हम तो गए। और फिर हीरो खिड़की पर आ जाता है। मैं थक गया हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। खिड़की पर आकर एक ग्रीन ब्यूटी को देखता है। हनी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम प्रेग्नेंट हो? हे, बहुत अच्छी खबर है। वाह, क्या बच्चा पैदा हो भी गया? हाँ, ये लो, पकड़ो इसे। ये बहुत छोटा है, मैं तुम्हें इसमें डाल देता हूँ। ये तो एक चमत्कार है। लगता है फ्लाइट बॉय के बच्चे भी लाइट की स्पीड से बढ़ते हैं। क्या मेरा बेटा स्कूल जाने लगा है? खैर, डैड, मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ। मुबारक हो। नहीं, मैं पक्का इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे जाना होगा, मैं लेट हूँ। इतनी जल्दी नहीं मिस्टर लाइटनिंग। वो अभी से पुश कर रहा है। ओह, चलो उसे टच करते हैं। अपने हाथ मेरे पेट से हटाओ। एक सुपर हीरो मॉम होना कूल है, क्योंकि आप अपने आप को बहुत अजीब दोस्तों और बाकियों से बचा सकते हैं। मिस्टेक सुपर हीरो को भी अल्ट्रासाउंड की जरूरत होती है। चलो देखते हैं क्या है। ओह, मुबारक हो, आपकी बेटी है। ओह, शुक्रिया डॉक्टर। वाह, क्या? हाँ, अच्छा तो ये लड़का है। मशीन गलत भी हो सकती है, माफ करना। क्या ये अंदर मैं हूँ? मुझे वहम हो रहा है। बेबी बिल्कुल मेरी तरह है। ओह डॉक्टर, क्या आप ठीक है? उठ जाइए। हमें बहुत भूख लगी है। शुक्रिया। मुझे क्या ऑर्डर करना चाहिए? बनी, तुम्हें क्या चाहिए? वाह, ये बेबी तो असली मैग्नेट की तरह है। वाह, वो बिल्कुल मेरी तरह है। बच्चे, तुम तो जानते ही हो। हाँ, ऐसे बच्चे के सामने आपको अपनी कटलरी संभाल के रखनी चाहिए। ये हमारी आखिरी लड़ाई है प्रांकर। मुझे भी यही लगता है बैड बॉय। तुम हार गए। मेरे पास ग्रेनेड है। क्या? हाँ, सुंदर। स्मोक, ये पिंक क्यों है? किसी ने तुम्हारे साथ मुझसे भी बड़ा प्रैंक किया है, पर ये कौन कर सकता है? हेलो सबको, स्वीट हार्ट, वो मैं थी। मेरे पास एक खबर है, हमें बेटी होने वाली है। सरप्राइज। क्या तुम सीरियस हो? मुबारक हो। मुझे इस सब के बारे में सोचना होगा। वो कहाँ चला गया? चिंता मत करो, मैं अपनी फ्लैश लाइट जलाऊंगी और वो वापस आ जाएगा। चलो फिर, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट खाना खरीदता हूँ। डॉक्टर, उठ जाओ, उठ जाओ। क्या, कहाँ, कब, मुझे किसने उठाया? दरअसल मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ अल्ट्रासाउंड के लिए आई हूँ। उससे कुछ खराबी है। मुझे नहीं पता उसे क्या हुआ। मैं आपको कम पेस्ट्री खाने की सलाह दूंगा। तो तुम्हें लगता है मैं मोटी हूँ? तुमने गलती कर दी। मेरे ख्याल से मैंने काफी सुपर हीरो को झेल लिया।
हनी मैं तुम्हारे लिए सेब लाया हूँ। मुझे सेब बिल्कुल भी नहीं पसंद। मेरी पावर्स के होते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी कोशिश। विकी तुम केला खाना चाहोगी? मुझे नहीं चाहिए, केला नहीं चलेगा। संतरा संतरे कैसे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। एक पियर के बारे में क्या ख्याल है? नहीं। एक समय पर ऐसा लगता है कि दुनिया को बचाना एक प्रेग्नेंट लड़की को खुश करने से ज्यादा आसान है। सिर्फ एक चीज है जो मेरी मदद कर सकती है। स्क्रीन बैंड ने सोचा कि वो टाइम में आगे जाएगा। ये बहुत चाते है ना? कितना क्यूट है। मैं एक एप्पल खाऊंगी। खाओ खाओ हनी, एप्पल्स तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। क्या मेरे यहाँ गेस्ट आए हैं? टाइटनस जो हमारा है हम वो लेने आए हैं। अच्छा वो तो हम देख लेंगे। फिर से माफ करना, स्टोन्स जा चुके हैं। तुम डर गए हो। मैं एक मिनट में वापस आता हूँ। ठीक है, हम यही इंतजार करेंगे। उम्मीद है इस बार मैं गायब नहीं होऊंगा। क्या तुमने मेरे स्टोन्स देखे? क्या तुम देख नहीं सकते कि बच्चा सो रहा है? मुझे कमांडर और बग को गायब करने के लिए स्टोन्स चाहिए। वो सब यहाँ है। इन्हें मुझे वापस दो, बेबी को ये पसंद है। मैं स्टोन्स के बिना कैसे लड़ूंगा? मुझ पर चिल्लाने की और बच्चे को उठाने की कोशिश भी मत करना। डैडी टाइटनस भी बच्चे की तरह है। हाँ बेटे। ओह कैंडी, ईव, मुझे नहीं चाहिए, ये इतनी स्वादिष्ट नहीं है। जेम्स, ओह तुम यहाँ हो। नहीं शुक्रिया, बस मेरे लिए चाय ले आओ। ये लो तुम्हारी चाय। ये मीठी नहीं है, मुझे रोना आ रहा है। ये लो चीनी, मुझे अब चाय नहीं चाहिए। सोडा कैसा रहेगा? ये नहीं। तुम्हें क्या चाहिए? सुपरमेट को खुश करना बहुत मुश्किल है। मुझे ये नहीं चाहिए। फिर से के वाह, तुम इन नजरों से पत्थर और केक दोनों को काट सकती हो। तुम्हारा स्लाइस, मुझे यही चाहिए। आखिरकार नहीं नहीं, एक फोक लेकर आओ, हम में तमीज है। ये मुझे शांति से नहीं खाने देगी। यहाँ बहुत हुमस है। हो गया, अब ठीक है। मिसेस फैंटास्टिक की फैमिली में काफी शांति है क्योंकि वो हर कहीं पहुंच सकती है और जो चाहे वो ले सकती है। मैं एक चीज मिस कर रही हूँ। ओह हनी, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ मुझे एक हग चाहिए। अच्छा ठीक है फिर। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो। ये बदबू कैसी है? ईव, बेबी ये तुमने किया, कोई बात नहीं, हम ठीक कर देंगे। डार्लिंग, वो फिर से गायब हो गया। ओह मैं जानती हूँ उसे कैसे बुलाना है। बैड बॉय आ गया। हनी क्या हुआ? ये बेबी भी ना, साफ साफ बोलो क्या तुम्हें बदबू आ रही है? इसमें से कैसी बदबू आ रही है? खुद स्मेल करो और तुम्हें पता चल जाएगा। ओह हे, बेहोश मत हो। ठीक है मैं कैसे मदद करूँ? कुछ डायपर्स खरीद लाओ। समझ गया, ये लो। क्या ये मजाक है? तुम प्रैंकर के साथ कुछ ज्यादा ही घूमते हो क्या? इसे ट्राई करो। क्या तुम पागल हो गए हो? इसे ले जाओ यहाँ से। मेरे पास एक आइडिया है। ये लो, ये काम करना चाहिए। यही चीज तो चाहिए। मुझे चलना होगा। मैं तुम्हारा डायपर चेंज कर दूंगी और फिर तुम ताजी हवा की तरह स्मेल करोगे। आपको क्या लगता है किस सुपर हीरो के बच्चे के पास सबसे कूल पावर्स होंगी? अपना जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में बताएं। क्या आपको वीडियो पसंद आई? तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों।